नादान इश्क, लाइक जैसे नादान इश्क में इश्क पहले ही है वहाँ पे उसमें, तो एक जो छोटे बच्चों की लव स्टोरी होती है 14-15 साल की, जो कॉलेज लाइफ की स्टोरी होती है लव स्टोरी, वो है हमारी मूवी में। और देखोगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा है, 60% का कलेक्शन है और नॉट बैड है, भोजपुरी के लिए अच्छा साइन है। 60% 70% इज ओके कलेक्शन। या हीरोइन से मेरी बात हुई थी कल ही कि हमारी मुंबई में मूवी रिलीज़ हुई है, तो उनसे बोला गया कि हाँ ठीक है आप बॉम्बे आ जाओ, तो अभी थोड़ा सा उनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और मतलब अभी घर पे हैं वो, कुछ काम है मतलब फैमिली में कुछ है सीन उनका, तो इसलिए वहाँ पे हैं। सर आज कितना पब्लिक होगा? अभी तो मैटिनी में नहीं है, 3 बजे के शो में पिक्चर है, तो अभी कलेक्शन तो मैटिनी दूसरी मूवी है, सेकेंड शो 3 PM शो में और 9:30 PM शो में। हाँ कितने संतुष्ट हूँ मैं इसको लेके, तो खैर ऑडियंस बताएगी मेरे लिए कि मैंने कैसा काम किया, फिर उनको देख के वो जैसे रिव्यू देते हैं वैसे। अभी तो खैर एक्टिंग मेरी फर्स्ट मूवी है, ओके है, बस अच्छा है, मैं इतना ही बोलूँगा। हाँ बिल्कुल, मुझे कमेंट्स तो कई सारे मिले और कई सारे लोगों ने मुझे बताया भी कि हाँ यार तुम मूवी तुम्हारी बहुत अच्छी है। अभी कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि मैं यहाँ पे भी आया था, थोड़ा कि मूवी बहुत अच्छी है और अच्छा लगता है जब कोई आके मुझे मतलब कि बोलता है कि रिव्यू देता है कि यार आपकी मूवी अच्छी है, आपने एक्टिंग अच्छी की है और आपका काम अच्छा था, और ये लोग ये भी बोलते हैं यार तुम सबसे छोटे हीरो बन गए, तो अच्छा लगता है सब सुन के। म्यूज़िक तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, छोटे बाबा जी ने दिया है म्यूज़िक। हाँ नेक्स्ट प्लान हमारा चल रहा है, एक मूवी कर रहा हूँ, ऐड है हमारा, तो हम लोग वो कर रहे हैं, हमारे उसका नाम है #PinkLeaf, तो उसके बारे में बताऊंगा आगे, बट काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है जो अभी लाएंगे बीच में मीडिया में, बताएंगे क्या चल रहा है इसमें। जी हाँ मैं कई सारे लोगों से मिलने गया, लाइक निरुवा जी थे और कई सारे ऐसे एक्टर्स थे और जिनको मैं देखते हुए बड़ा हुआ हूँ कि हाँ उनके साथ मुझे काम करना है, उनके ऐसे बनना है, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, काफ़ी कुछ बताया कि हाँ आशीष तुम्हारा काम अच्छा है तुम्हारा, काफ़ी कुछ ऐसा जो उन्होंने बताया कि हाँ उससे थोड़ा सा लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और आगे भी बढ़ना है, फिर इन चीज़ों से और आगे बढ़ने के लिए कोशिश और बढ़ जाती है। अभी इससे पहले हमारी बिहार में रिलीज़ हुई थी और अब बॉम्बे में कल रिलीज़ हुई है, तो अभी तो फिलहाल बॉम्बे है, उसके बाद देखते हैं क्या होती है। थैंक यू। का मतलब है कि ये वीमेन पीरियड मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो चलता है, इनका पीरियड टाइम चलता है, उसके ऊपर लिखा गया है। काफ़ी अच्छा मैसेज है, सोशल अवेयरनेस है। अभी हम आपको इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकते, लेकिन बस इतना ही है कि पिंक लीव का मतलब है कि उनका जो पीरियड चल रहा है उसने हमें रिलेट किया पिंक से। उसकी अगला पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है, उससे भी अच्छा कॉन्सेप्ट हम ये कह रहे हैं, उससे भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो आप अभी हम ज़्यादा जम नहीं कर सकते क्योंकि शॉर्ट फिल्म में अगर हम आपको बता देंगे तो वही रिवील हो जाएगा। हिंदी। इसके लिए तो खैर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, #PinkLeaf। सबसे पहले मैंने डायरेक्टर साहब हमारे पास आए, उन्होंने बताया कि एक हमारे पास ऐसा कॉन्सेप्ट है जो करना है। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरा कैरेक्टर क्या है क्या नहीं, स्टोरी बताया इन्होंने, तो जब इन्होंने मुझे स्टोरी बताई और कैरेक्टर जो बताया, कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है, एक इसमें एक मैसेज जो जाता है ना कि फैमिली, एक एजुकेटेड जो फैमिली होती है वो है इसके अंदर, काफ़ी कुछ इसमें हमारे मैसेजेस हैं जो और लोगों को मतलब कहते हैं कि होता है ना कि जो पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन मतलब पढ़ तो लेते हैं लेकिन जो यहाँ से मतलब नहीं होते हैं एजुकेटेड, वो उनके लिए ये मैसेज हमारा, तो हिंदी में बना रहे हैं और बहुत अच्छा मुझे हिंदी का भी ऑफर मिला भाई की तरफ से
ये मतलब है कि अगर आप एजुकेट हो तो प्लीज़ एजुकेट की तरह बिहेव करो, बस और कुछ नहीं। अगर आपको एजुकेशन दिया अपने माँ बाप ने उसकी तरह एक्ट भी करो, दिखाओ दुनिया को कि हम हाँ रियल में एजुकेट हैं। नो 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 नहीं नहीं छुआछूत किसी भी जाति किसी भी धर्म को नहीं, वही हमने एक मेंटेलिटी जो बन चुकी है वो खत्म करनी है कि ये चीज़ कोई गंदी चीज़ नहीं है, ये हमारी बहनों को भी है, हमारे माँ को भी होती है दिक्कत, वो ये कोई दिक्कत मतलब होना नहीं चाहिए कि बहुत गंदी चीज़ है, नहीं इसको हमने मानना पड़ेगा कि नहीं अगर दर्द है तो लेडीज को है उस दर्द, उसके जब ये क्या होता है उस दर्द के बाद जो होता है वो उसमें दिखाया गया बस। ये प्रोडक्ट तो हमारा नवरात्रे में हमने फर्स्ट शॉट लिया था, फर्स्ट डे तो माता जी का वैसे ही आशीर्वाद चल रहा है हमारे साथ, और फिर काफ़ी कुछ हमारा चल रहा है जैसे शूट का भी, अभी हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली हमारा शूट है इसका, तो दिल्ली का हमारा 20 तारीख से शूट स्टार्ट है, तो देखते हैं क्या होता है, बाकी शूट करके मतलब पब्लिक के सामने लाना है, अब उनका सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, उनका प्यार चाहिए बस। थैंक यू सो मच निका या लुक सर भाई इधर तो देखो हम लोग क्या करेंगे फोटो खिंचवा खड़ा होकर। हेलो सर, आपका स्वागत है। आप आपने एक फिल्म बनाई है बुंडा, इसके बारे में कुछ बताइए और अपने बारे में एक परिचय दीजिए। आप सभी को विनोद यादव का प्रणाम, आप सभी मीडिया के आए हुए सभी आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी मीडिया को देख रहे इस चैनल के दर्शकों को मेरा विनोद यादव और अभिनेता का प्रणाम। हाँ, मेरी फिल्म गुंडा भोजपुरी फिल्म गुंडा 6 सितंबर को यूपी में रिलीज हुई थी, और सिकंदर खान प्रोडक्शन के बैनर तले बनी हुई ये फिल्म, बहुत अच्छी खूबसूरत फिल्म बनी है, ये मेरी पहली फिल्म है और यूपी में सक्सेसफुल रही, सुपरहिट गई, पीवीआर बरेली में फिल्म को रिलीज किया गया, 2 सप्ताह हाउसफुल गई पीवीआर में सिनेमा में, बाकी गोरखपुर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, पर यूपी में अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मुंबई में रिलीज़ हुई वहाँ भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, गुजरात रिलीज़ हुई वहाँ भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब हम लोग की बारी है बिहार और झारखंड में, हमारी फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है, जो आने वाले 4-5 दिन बाद हमारी फिल्म आपके बीच में बिहार में रिलीज़ की जाएगी। आपका इस फिल्म में किस प्रकार का योगदान है? मैं इस फिल्म का लीड एक्टर हूँ, मेन मुख्य रोल भूमिका में मैं हूँ, और यह फिल्म एक बहुत सीधा साधा इंसान रहता हूँ, और बाद में परिस्थितियों को चलते हुए गुंडा बनना पड़ता है, गुंडा को खात्मा करने पड़े वैसी कहानी है, और आम आदमी गुंडा क्यों बनता है उसको दर्शाया गया। आपको निगेटिव रोल करके कैसा लगा सर? क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि एक निगेटिव रोल में एक इमेज जाती है, और कुछ जो अच्छे एक्टर होते हैं उसको करने में उनको भी मजा आता है, तो आपको कैसा लगा जब ये अप्रोच किया गया आपको इस रोल के लिए? तो निगेटिव रोल तो एक टोमेटो पहले शुरू में तो बहुत अच्छा है, दो पार्ट में मेरी इसमें रोल है, शुरू में आधी लंच के पहले पूरा कॉमेडी है और अच्छा रोमांस है, एक अच्छी एक नेचुरल लाइफ पे है, और लंच के बाद अब इंट्रोल के बाद अब आ जाएंगे तो उसमें फिर एक गुंडा को पिक किया है, लेकिन एक बहुत अच्छा हुआ कि हिम्मत कैसी बनाई जाती है, लोगों का खात्मा कैसे किया जा सकता है, लोगों के हावी कैसे हुआ जा सकता है, और एक जो मजबूरी का जुनून कैसे पैदा होता है, तो चीज़ों को बहुत अच्छा लगा मेरे को ऐसा एक रोल करने में कि निगेटिव खत्म करने के लिए निगेटिव कैसे बनाया जा सकता है, वो अच्छी लगा। इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम बता सकते हैं? फिल्म के डायरेक्टर इकबाल बख्श हैं, जो बहुत ही अच्छे खूबसूरत बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, तो इस फिल्म बना चुके हैं और अच्छी अच्छी फिल्म उन्होंने दिया है, और हमारी फिल्म बहुत अच्छी बनाई है, और जो प्रोड्यूसर सिकंदर खान सर हैं, और मेरी एक्ट्रेस मेरे साथ में जो हीरोइन है वो अंजना जी, जो भोजपुरी फिल्में 75-80 फिल्में कर चुकी हैं, और भोजपुरी की प्रतिष्ठित अदाकारा हैं,
मैं उनका बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, सम्मान रखता हूँ। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया फिल्म में, बहुत अच्छा काम किया और फिल्म बहुत खूबसूरत निकल के आई। और उसके साथ साथ में गुंजन पांजी उस फिल्म में है जो सिकंदर खान जी के अपोजिट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मेरी भाभी के रोल में बहुत अच्छा काम किया, पूरी टीम यूनिट बहुत अच्छा। डायरेक्टर ने कैसे अप्रोच किया आपको, आपको अप्रोच किस तरह से किया गया और स्क्रिप्ट में आपको क्या लगा कि आपने हाँ कह दिया? तो इंडस्ट्री नहीं थी फिल्म की, मैं घूमने आया था, लेकिन से मुलाकात हुई, फिल्म बना रहे हैं और उस फिल्म में आप पर्सनैलिटी सूट कर रही है, इसमें काम कर मैं तो मजाक समझता था, लेकिन मजाक एक सीरियस में बदल गया और फिल्म बन गई। मैं कब हीरो बना मुझे पता ही नहीं चला और आज सामने खड़ा हूँ। लोकेशन क्या क्या रही है इस फिल्म? पूरी फिल्म बनारस में शूट किया गया, सुल्तानीपुर, दानगंज, चोलापुर, पशुपतिनाथ, ऐसे सारे लोकेशन थे, बहुत अच्छे खूबसूरत लोकेशन, नेचुरल लोकेशन, नदी किनारा, खेत, गांव, घर, शहर, थाना, सभी लिया गया, बहुत अच्छा लोकेशन था। आपके साथ बड़े बड़े कौन से नाम हैं जो कि जुड़े हुए हैं? हमारे फिल्म में एहसान खान जी हैं जो गदर, जीनियस, मूल, गंगा जी जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं, जो हमारे विलेन का काम किया उन्होंने, मुझे गुंडा बनाने का उनका बहुत श्रेय है फिल्म में। और अयाज खान जो वो सूरी के अमरीश पुरी जी कहे जाते हैं और बहुत अच्छे वो हैं, और सुशील सिंह जी बहुत ही जो भोजपुरी के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म में कहा जाता है मेन नाम आता है, तो बहुत सीनियर है, बहुत अच्छे हैं, बहुत कॉपरेटिव नेचर के हैं। और गुंजन पन जी जो भोजपुरी के अच्छी एक्टर्स हैं, अंजना जी जो सुपर स्टार हैं जो मेरे अपोजिट हैं, और साथ में सिकंदर खान जी जो भी हिंदी फिल्म बहुत काम किए हैं और भोजपुरी फिल्म भी उन्होंने रोल भी किया, डायरेक्टिंग भी किया, और बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी यूनिट थी। और कोरियोग्राफर थे हमारे रिकी गुप्ता सर, और भी भोजपुरी के एक अच्छे कोरियोग्राफर में आते हैं। सर एक बड़े नाम के साथ काम करना बहुत टफ होता है, जहाँ तक कि उनकी उनके साथ एक बॉन्डिंग बनाना, उनके साथ एक स्क्रीन स्पेस में एक अपनी जगह बनाना, तो आपको कैसा लगा वो अगर आपके सामने थे और डायलॉग्स जो लेन देन या एक्शन रिएक्शन था, तो वो उसमें आपको कैसा एहसास हुआ उस समय? मैं तो बस एक चीज़ जानता था कि मेरे लिए नया मैं सीख रहा हूँ, मैं कभी नहीं कभी मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, और मैं सीखने के पर्पज़ से काम करता था, मैं सीख रहा हूँ और उसको दिमाग में एकदम बैठा, कोई गलती भी हो रही तो मैं उसको रिपीट करूँगा, तो मैं कभी ध्यान भी नहीं लिया कि सीन है रहे और इनके साथ डरने की जरूरत है। ठीक है, कि अगर वो सीनियर हैं डांटेंगे, उनको एक्सपीरियंस है, मैं विदाउट एक्सपीरियंस का हूँ, तो ये सब कोई मैं दिमाग में नहीं लाया, तो मैं जानता था ठीक है डर के ही काम किया और डर से ही सफलता मिली, और लोगों ने बहुत प्यार दिया, सपोर्ट भी किया, कॉपरेट भी किया। और अगर विनोद यादव को आज इंडस्ट्री या भोजपुरी दर्शक या जितने लोग जानते हैं, एक लोग या 1 लाख लोग या 10 लाख लोग, तो उसमें मेरी यूनिट की पूरी देन है और सबका एक श्रेय जाता है, और मैं ये सभी अपनी सफलता का डेडिकेशन में अपनी पूरी यूनिट को करता हूँ। कोई यादगार कोई एक चीज सेट पर हो आपके साथ जो आप शेयर करना चाहें? हाँ, ये चर्चा में बनी थी मेरे सेट पे, मेरे एक्ट्रेस अंजना जी से हो जाता था कभी काल झगड़ा हो जाता था, और ये चलता पूरा न्यूज में भी चली, लेकिन ऑन स्क्रीन हम लोग की केमिस्ट्री बहुत अच्छी आई है, और ऑफ स्क्रीन तो होता रहता है क्योंकि सी इज़ वेरी सीनियर, उन्होंने बहुत मेरे से तो बहुत ही सीनियर हैं, जब मैं कभी सोचा भी नहीं था फिल्मों के लाइन में तब वो सबसे काम कर रही हैं, और भोजपुरी कोई भी ऐसा एक्टर स्टार नहीं होंगे जिनके साथ उन्होंने काम नहीं किया है, तो एक सुपर स्टार एक्टर्स हो और मेरे में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, और उनके लेवल में खड़ा होने के लिए तो ऑब्वियसली बनता है कि ठीक है अगर उन्हें कहीं पर झगड़ा होता तो समझाती भी थी, कोऑपरेट भी करती थी, एक्सप्लेन भी करती थी, तो ये नेचुरल है, चलता रहता है, लेकिन जिस दिन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बन गए तो सब भूल गया। नहीं, इसको प्यार मोहब्बत नहीं कहेंगे और ना ही सीरियस कहेंगे, वो काम का झगड़ा होता था, काम को लेके झगड़ा होता था, और हम लोग मेरी गलतियों पे और वो स्टेप उठाए जाते थे, फिर उसको भी एक्सप्लेन किए जाते थे और उसको फिर बाद में प्रेजेंट भी किया जाते थे। एक छोटे शहर में शूट करना बहुत टफ होता है, जैसे बनारस सिटी जैसे अगर शहर में आप शूट कर रहे हो तो भीड़ इकट्ठे हो जाती है अपने स्टार्स को देखने के लिए, जी जी, तो उसके बारे में सर बताइए क्या कैसा आप कैसे आप लोग आप मैनेज करते थे उस चीज़ को? जब मैं एक मेरा गाना है एक्सेप्ट कर ला, दिया एक्सेप्ट कर ला, वो मैं गाना शूट कर रहा था, नदी किनारा था और पुल के नीचे, तो मैं पहली बार देखा कि कम से कम 5,000 पब्लिक से ऊपर, पुल के ऊपर, सड़क के ऊपर, बगल बगल से नदी किनारे हमको, हम सभी यूनिट को देख रही है, तो
तो कभी जब शूटिंग हुआ करता था तो एक दो बार हम भी शूटिंग जब बचपन में देखने जाते थे, आज के 5 साल 7 साल पड़े तो हमको भी लगता था, तो वही दिन याद आता था कि जैसे हम देखने जाते थे लोग देखने आए हैं, तो उनको सम्मान कीजिए और किसी को इरिटेशन नहीं होती, जब अपना काम करते थे और कॉन्फिडेंस मिलता था। ये फिल्म क्या मैसेज देती है सर? फिल्म यही मैसेज है कि किसी कोई भी गुंडा अपने शौक से नहीं बनता है, और किसी गुंडा बनने का शौक नहीं है, कोई मजबूरी होती है, कोई परेशानी होती है, कोई परिस्थिति होती है जिसके कारण एक आम इंसान गुंडा बनता है, और किसी भी यंग को युवा को शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, और बाकी चीज़ें फिल्म देखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। ऑडियंस को आप क्या मैसेज जो दिया है आपने, उसके माध्यम से आप ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं कि वो फिल्म क्यों जाए थिएटर में, आपकी वजह से जाए या फिल्म की वजह से जाए, क्योंकि वो अपने स्टार्स को देखना पसंद करते हैं तो जरूर जाएंगे, मगर इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ना मेरे लिए जाइए, मैं भोजपुरी दर्शकों से निवेदन करूँगा, न मेरी फिल्म के लिए जाइए, लेकिन मैं ही कहूँगा कि भोजपुरी फिल्म बनी है तो भोजपुरी भाषा के लिए जाइए, भोजपुरी मर्यादा के लिए जाइए, भोजपुरी कलाकार के लिए जाइए, और एक भोजपुरी को बढ़ावा देने के लिए बनाई, क्योंकि फिल्म मेरी अकेली नहीं है, फिल्म आप सभी की है, और फिल्म आपसे ही फिल्म बनी है, और आपसे ही ये विनोद स्टार बनेगा, और आपसे ही सब कुछ मेरी पहचान बनेगी, तो मेरे लिए मत जाइए, मेरी फिल्म के लिए मत जाइए, लेकिन भोजपुरी भाषा के लिए अगर मैं एक परिवार के लिए कहीं एक अंग बना हूँ तो उसके सपोर्ट के लिए जाइए। इससे आप लोगों का हाथ जोड़ से निवेदन है कि मेरी फिल्म को आप लोग देखिए, पूरे बिहार और झारखंड की जनता, जैसे यूपी में प्यार मिला, मुंबई में प्यार मिला भोजपुरी, वैसे गुजरात में प्यार मिला, दिल्ली में प्यार मिला, वैसे उम्मीद है करता हूँ कि आप लोग से बहुत सारा प्यार मिलेगा और मेरी फिल्म को आप लोग जरूर देखेंगे, और एक भोजपुरी भाषा को, भोजपुरी कल्चर को जैसे पूर्वजों ने बढ़ावा देते हुए आए हुए हैं और सभी लोग आज के स्टार दे रहे हैं, वैसे हम भी देने की कोशिश किए हैं, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो सपोर्ट से और आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, प्रणाम।